आदिवासियों को हिंदू कहना बंद करो, आदिवासियों को हिंदू कहना बंद करो, आदिवासियों को हिंदू कहना बंद करो। हम कट्टर सरना है, ना हम ईसाई का दलाल है, ना हिंदू का दलाल है, ना मुस्लिम का दलाल है, ना शेख ना जैन का दलाल है। हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, हमारा सदियों से मांग है। हम लोगों ने कई सरकार से कई रैलियां मानव श्रृंखला बना के विरोध प्रदर्शन करके हम लोगों ने सरना धर्म कोड का मांग किया है। आरएसएस के दलाल लोगों द्वारा आदिवासी को हिंदू कहा जाने के विरोध में हम लोग इन लोग का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। और घोर विरोध, हिंदू नहीं है, नहीं, हम लोग आदिवासी हैं। प्लेन एरिया में कौन रहते थे? हिंदू लोग। तो उनका इन्फ्लुएंस होने के कारण कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मानने लगे। बस यही चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है हमेशा, और वोट के समय पॉलिटिक मतलब रिलीजन बेस्ड पे पॉलिटिक्स किया जाता है। बस यही मुद्दा है कि आदिवासी हिंदू धर्म से भी बिलोंग नहीं करता, आदिवासी का अपना कस्टमरी लॉ है। तो इस नाते आदिवासी कहीं से भी हिंदू से बिलोंग नहीं करता है। आदिवासी को जबरन हिंदू बताया जा रहा है, और जो आदिवासी अभी सरना कोर्ट की लड़ाई, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की। रांची राजधानी के मोराबादी मैदान में डिलिस्टिंग उर्गुलान महारैली की गई जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले, और उसमें यह बात कही कि जो आदिवासी दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं उनके अधिकारों को नहीं देन, उनको जो आदिवासियों का अधिकार मिलता है, आरक्षण मिलता है, वो उनको नहीं मिलना चाहिए। उस कार्यक्रम के दौरान और उससे पहले मीडिया बाइट्स में तमाम जनजातीय सुरक्षा मंच के नेताओं ने बार बार यह बात कहा कि आदिवासी हिंदू है, और उस मंच से भी कई बार यह बातें की गई। अब नया मामला सामने यह आया है कि आदिवासी हिंदू है के बयान का विरोध झारखंड के और ख़ासकर राजधानी के कई युवा कर रहे हैं। अभी हम रांची राजधानी के कांके इलाके में जो CMPDI है उस चौक पर हैं, और वहाँ पे मिसिर गोंदा के जो युवा हैं, जो लोग हैं, कांके रोड सरना समिति के बैनर तले जनजातीय सुरक्षा मंच के नेताओं का पुतला दहन किया जा रहा है। बैनर में लिखा हुआ है, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रकृति पूजक आदिवासियों को हिंदू कहने के विरोध में पुतला दहन, शान मिसिर गोंदा जत्रास्थल से CMPDI। हम लोग बात करते हैं, आखिर समझते हैं कि एक तरफ डिलिस्टिंग का मामला, दूसरे तरफ इस बात मामले पर क्या ये कह रहे हैं। पहले तो अनिल उराव है, उनसे बात करते हैं, इनके नेतृत्व में और इनके ही प्रयास से लोग यहाँ पर आए हैं। डिलिस्टिंग का कार्यक्रम हुआ 24 तारीख को दिसंबर में, ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर आप लोग ये एक नया कोई विरोध प्रदर्शन, क्या मतलब है? देखिए आकाश जी, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जोहार। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, आपने देखा होगा जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में जो 24 दिसंबर को डिलिस्टिंग महारैली रखा गया था, लेकिन उससे पूर्व प्रेस वार्ता के माध्यम से RSS का एजेंट ही कहिए और BJP के एजेंट कहिए, जो राजकिशोर हांसदा और गणेश राम भगत, प्रकाश उइके, ये तमाम लोगों ने प्रेस वार्ता में कहा था कि आदिवासी जन्मजात से हिंदू है और आदिवासियों को अलग धर्म कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोगों को शर्म आना चाहिए, आदिवासी समाज वर्षों से, हमारे पूर्वज लोग आदिवासी समाज के लिए, अलग धर्म कोड के लिए, सरना धर्म कोड का मांग को लेकर संघर्षरत है। बाकायदा 2 वर्ष पूर्व सरकार, राज्य सरकार के अगेंस्ट में कई रैलियां निकाली गई, पदयात्रा निकाली गई, आपका मानव श्रृंखला बनाया गया था, और झारखंड सरकार को मजबूरन 2021 में 11 नवंबर को विशेष सत्र में सरना धर्म कोड पारित करके दिल्ली भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और RSS के दलालों को लगता है कि आदिवासी, अगर आदिवासियों का अलग धर्म कोड मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग में, हिंदुओं के आबादी में हम लोग समेट कर रखते हैं आदिवासी समाज को, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाएगा। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी कैसे हिंदू है? आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, और ये लोग RSS के दलाल लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू, कैसे आदिवासी हिंदू है? क्या वो लोग मड़े में पूजा करते हैं, आषाढ़ी पूजा करते हैं, सरूल करम में मुर्गा का बलि देते हैं? नहीं देते हैं। मंदिर में का आदिवासी पुजारी रहता है, आदिवासी हिंदू है तो? ये हमेशा देखिएगा, ये RSS के लोग और उनके चमचे हमेशा कहते हैं, बरगलाने के लिए कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है। उनका कहना है कि जो ईसाई के दलाल हैं, जो ईसाइयों की चमचागिरी करते हैं, वो लोग इस बात को कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है।
देखिए हम कट्टर सरना है, ना हम ईसाई का दलाल है, ना हिंदू का दलाल है, ना मुस्लिम का दलाल है, ना सिख ना जैन का दलाल है। हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, हमारा सदियों से मांग है। हम लोगों ने कई सरकार से कई रैलियां मानव श्रृंखला बना के विरोध प्रदर्शन करके हम लोगों ने सरना धर्म कोड का मांग किया है। अब पिछले जो जनगणना हुआ था उसमें 50 लाख सरना धर्म वालियों ने जनगणना में कॉलम में लिखा था, और जब अब की बार जब भारत सरकार तरफ से जनगणना किया जाएगा तो मेरा ये मानना है इस बार 2 करोड़ से अभव लोग सरना धर्म कोड का कॉलम में दर्ज करेंगे अपना नाम। महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं इस पुतला दहन में, क्यों आप लोग पुतला दहन करने आए हैं? हम लोग को 24 दिसंबर में जो मोराबादी में महारैली हुआ उसमें आरएसएस के एजेंट लोग, आरएसएस के दलाल लोगों द्वारा आदिवासी को हिंदू कहा जाने के विरोध में हम लोग इन लोग का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। और घोर विरोध, हिंदू नहीं है? नहीं, हम लोग आदिवासी हैं। तो लोग तो बोलता आदिवासी हिंदू? नहीं, हम लोग जन्मजात आदिवासी हैं और हम लोग सरना प्राकृतिक पूजक हैं। हम लोग का जन्म से मरण तक हम लोग कोई भी पूजा पाठ रूढ़िवादी प्रथा में हम लोग हड़िया और बलि दिया जाता है। हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, हम लोग सरना जाते हैं। डब्लू मुंडा है, क्या इतना विरोध है आप लोगों का? आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं आदिवासी हिंदू है, कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है? देखिए विगत 24 सितंबर को दिसंबर 24 दिसंबर को बीजेपी आरएसएस के द्वारा डिलिस्टिंग का कार्यक्रम मोराबादी मैदान में किया गया था। उससे पहले 23 सितंबर को आरएसएस के दलालों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि आदिवासी जन्मजात हिंदू है, जबकि आदिवासी भारत देश का मूल निवासी है। आदिवासियों का अपना विशिष्ट संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, रूढ़ी प्रथा है, और आदिवासी हिंदू ग्रंथ से भी बिलोंग नहीं करता। आदिवासी का अपना कस्टमरी लॉ है, तो इस नाते आदिवासी कहीं से भी हिंदू से बिलोंग नहीं करता। आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी बिल्कुल हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी सदियों से ही अपना अलग पहचान के लिए आज संघर्ष भी कर रही है। अगर आदिवासी हिंदू रहता तो आज सरना कोर्ट का मांग कहे करता? आदिवासी कर्मा सरहुल ये सब क्या है करता? हिंदू पर्व मनाता, दुर्गा पूजा, आपका छठ, ये सब करता। आज पूरा भारत में 1500 करोड़ के आसपास पूरा आदिवासी समाज है, झारखंड में 1.5 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास आदिवासी समाज है। अगर हिंदू रहता तो आदिवासी हिंदू रहता तो आज हम लोग का जो कर्मा सरूल होता है जो क्यों हम लोग मानते? बस इसी नाते आदिवासी हिंदू नहीं है, इसको मैं हम सिरे से नकारते हैं। का नाम हो दादा? कृष्णा हो दादा, कृष्णा हो रहा हूँ। तो आदिवासी हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है। पहले तो सबके जोहार कही ला कि चला अच्छा, मैंने विरोध करा थे कि जो हम इनके हिंदू बोल के माने आदिवासी के हिंदू बोल के संबोधित करल है सेकर, हम विरोध करा थे कि हम इन हमेशा से जल जमीन और जंगल से जुड़ल ही, तो हम इनका जो पूजा है हमेशा से जो जल प्राकृतिक और जंगल के बचाए के चक्कर में है, और जो हम इनका रूढ़ीवादी परंपरा हो और जो हम इनका कल्चर हो उसके हमेशा से हम इन अपन प्रकृति के और जल से जुड़ल जो भी पूजा पाठ हो सबके बेहतर पूर्वक और अच्छा से करे ले, हम इन जल के जंगल के और जमीन के पूजा करीला, और जो हम इनकर शुरू से मांग हो कि सरना कोट कर मांग का हेल करीला हम इन, क्या कि हम इन आदिवासी से अलग मैंने आदिवासी ही हिंदू से अलग ही से ले सरना कोट का मांग करीला, और जो भी हम इनकर रूढ़ीवादी परंपरा हो और हम इनका जो सांस्कृतिक परंपरा हो तो वो हिंदू से अलग हो से ले हम इन सरना कह लिए, बस इतने कह के। क्या नाम हो? हाँ, मेरा मनोज करकटा नाम है। तो आप क्यों पुतला दहन कर रहे हैं मुर्दा? हाँ, क्योंकि ये आदिवासी को हिंदू मानते हैं, लेकिन जो भी मानते हैं ना शायद वो हिस्ट्री नहीं पढ़े। आर्यन से आने से पहले मूलवासी यहाँ आदिवासी था, समझे? तो हिंदू धर्म लोग कैसे मान सकते हैं? हिंदू धर्म में तो आइडल वर्शिप होता है,
होली बुक होता है, हम लोग में तो कोई भी आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजन भी नहीं करते, ना हम लोग को कोई ग्रंथ है, तो हम लोग को हिंदू क्यों माना जाता है? हाँ, ये चीज़ है। और इस तरह का मेंशन तो संविधान में भी नहीं है कि आदिवासी हिंदू है। तो हम लोग का मेन चीज़ है, तो हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो किस बेसिस पे बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू है? और जो झारखंड में 2011 सेंसस के हिसाब से 32 जनजाति है, लेकिन उनमें से एक समुदाय या दो समुदाय को छोड़ के वो लोग सेमी हिंदू है। मतलब उसका भी कारण है, क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में आया था तो वो क्या किया, अपना फॉरेस्ट और हिली एरिया को कैप्चर करने के चक्कर में आदिवासी प्लेन एरिया में चले गए। प्लेन एरिया से जाने की वजह से प्लेन एरिया में कौन रहते थे? हिंदू लोग। तो उनका इन्फ्लुएंस होने के कारण कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मानने लगे। बस यही चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है हमेशा, और वोट के समय रिलीजन बेस्ड पे पॉलिटिक्स किया जाता है। बस यही मुद्दा है कि आदिवासी को हमेशा हिंदू बना के पॉलिटिक्स किया जाता है। तो इस तरह का आप आदिवासी जागरूक हो चुके हैं, और कतई भी किसी तरह भी मानते हैं आदिवासी हिंदू नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, इसमें कोई नहीं। इसमें जो भी मानते हैं ना, उसको एक बार किताब खोल के जरूर पढ़ना चाहिए, जो हिस्ट्री है उससे क्लियर हो जाएगा कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है। जो बोलते हैं शायद वो किताब नहीं पढ़े हैं, इतिहास के बारे में जानते नहीं है। ये बस केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फुलचंद दा हम लोग के साथ हैं। दादा, ये जो विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आप सरना समिति का लीडरशिप करते हैं, आपका क्या मानना है? यहाँ पर ये आदिवासियों के साथ में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, आदिवासी को जबरन हिंदू बताया जा रहा है, और जो आदिवासी अभी सरना कोर्ट की लड़ाई, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। 30 तारीख को भी हम लोग रेल रोड चक्का जाम का घोषणा किए हैं सरना कोर्ट को लेकर, और जितना भी अभी देख रहे हैं सब प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, जो सदियों से अपना धर्म समाज संस्कृति को बचा के रखे हैं, और हमेशा से आदिवासी हिंदू नहीं है का लड़ाई भी लड़ते हैं सब जगह से, इसीलिए तो हम लोग सरना कोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन आरएसएस और भाजपा के जो षड्यंत्रकारी जो है, जो उसका विंग है जनजातीय सुरक्षा मंच, जो कि अपने धर्मांतरण करके हिंदू धर्म को अपना लिया है, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जगह जगह पे मंदिर बनवाते हैं, ऐसे लोग आदिवासी को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। डिलिस्टिंग 24 तारीख को जो वहाँ रैली था उसमें सरना कोर्ट की कोई बात नहीं किया, विरोध करते हैं बकायदा वो लोग सरना कोर्ट, सरना कोर्ट का विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आदिवासी हिंदू धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं और आरएसएस के गोद में जाके, वनवासी कल्याण केंद्र के गोद में जाके बैठते हैं, जबकि प्राकृतिक पूजक आदिवासी का विभिन्न संगठन है, केंद्रीय सरना समिति है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है, ये बराबर अपना हक अधिकार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है, और ये लोग जो पैसा का लालच में, लोभ लालच में आदिवासी को हिंदू बनाते हैं। अगर आरएसएस से जुड़े हुए लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो उनको क्या होता है, विधायक का टिकट मिलता है, सांसद का टिकट मिलता है, और जो विधायक सांसद बोलेगा कि आदिवासी को सरना कोर्ट चाहिए, उसका भी टिकट कटता है। तो यहाँ पे षड्यंत्र ये है कि आज आदिवासी समाज पढ़े लिखे हैं, बुड़बक नहीं है, और हक के लिए, अधिकार के लिए अपना लड़ रहे हैं। और ये 30 तारीख का जो सरना कोर्ट की महारैली है, उसमें देखने को मिलेगा कि आदिवासी एक्चुअल प्राकृतिक पूजक है, और हम लोग जो सरना कोर्ट है उसको लड़ के लेंगे। ये पूरा मामला है, एक तरफ जनजातीय सुरक्षा मंच जिसमें आरएसएस और बीजेपी के कई नेता हैं, वो ये बात कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, बकायदा उनकी बातों का अब खंडन भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि 30 तारीख को, लेकिन सरना कोर्ट की मांग को लेकर एक बड़ा भारत बंद का आह्वान किया गया है, देखते हैं उस पर आगे और बातचीत क्या होती है। जो भी होगा हम आपसे तमाम लोगों को मिलाते रहेंगे, तमाम की बातें समझाते सुनाते रहेंगे। मिलते हैं जो